भारत में 47,092 नए COVID-19 केस, सिर्फ केरल में दर्ज हुए 69% मामले। कोरोना के बेहद संक्रामक वेरिएंट C12 की वजह से मुंबई एयरपोर्ट ने बदले नियम। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को 5 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के दूसरे तीसरे फेज के ट्रायल की अनुमति। संपादक और पूर्व राज्यसभा सांसद चंदन मिश्रा का हुआ निधन। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 वर्ष की उम्र में निधन, हैदरपुर में हुए सुपुर्द खाक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी, तोड़ा अली देई का रिकॉर्ड। झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर सेना के जवान की पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की, 3 आरोपी हुए निलंबित। तालिबान आतंकवादी है या नहीं, अफगानिस्तान भारत वार्ता पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला। एससी में ममता सरकार का आरोप, अनुमति बिना एफआईआर दर्ज कर सीबीआई ने किया संघीय ढांचे का उल्लंघन। तालिबान ने मौत की सजा देने के लिए किया था स्टेडियमों का इस्तेमाल, अब क्रिकेट मैच के लिए तैयार।